वेलकम बच्चों, हमारा चैप्टर चल रहा है पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइंस और इसमें आज हम कुछ टर्म्स देखने वाले हैं, ठीक है। सो यहाँ पर हमारे पास है पहली टर्म जिसको हम कहेंगे डिग्री ऑफ टर्म। क्या कहेंगे इसको हम? डिग्री ऑफ टर्म, ठीक है। तो चलो देखते हैं क्या होती है डिग्री ऑफ टर्म। डिग्री ऑफ टर्म यानी कोई इक्वेशन अगर दे दिया जाए उसमें जो टर्म्स होती है उन टर्म्स के हमको डिग्री देखनी है, ठीक है। तो सिंपल करना क्या है, यहाँ पर ध्यान में रखो, ठीक है। द सम, क्या बोलेंगे हम? सम ऑफ पावर्स, सम ऑफ पावर्स ऑफ वेरिएबल्स, पावर्स ऑफ वेरिएबल्स इन द टर्म, ठीक है। उस टर्म में, ठीक है, उस टर्म में जो वेरिएबल्स है उस उनके पावर्स की जो सम करेंगे हम उनको क्या कहेंगे हम? डिग्री ऑफ टर्म, ठीक है। यानी सम ऑफ पावर्स ऑफ वेरिएबल्स इन द टर्म, जो टर्म है वहाँ पर, ठीक। चलो अब जैसे अगर मान लीजिए कि मैं एक आधा इक्वेशन ले लेता हूँ, तो समझो हमारे पास में इक्वेशन है 2x² y + 3, यहाँ पे ले लेते हैं x² y² + ठीक है 8xyz² = 0। ये हमारे पास में क्या है, एक इक्वेशन है। इसमें हमने बच्चों यहाँ पर तीन टर्म ली हुई है, ठीक है। कौन सी टर्म है? एक है पहली टर्म हमारे पास में 2x² y, दूसरी टर्म है 3x² y² और तीसरी टर्म है 8xyz², ठीक है। अब हम क्या करते हैं, एक एक टर्म की यहाँ पर डिग्री देखते हैं। तो यहाँ पर हम लिख देते हैं डिग्री ऑफ फर्स्ट टर्म, ठीक है। डिग्री ऑफ फर्स्ट टर्म कौन सी है? 2x² y, ठीक है। तो आप सबसे पहले तो ये चीज़ आप देख लो, क्या कहा मैंने, डिग्री का मतलब क्या कहा, ठीक है। वैसे तो डिग्री ऑफ इक्वेशन, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल, ये चीज़ भी आप पढ़े हो। तो वहाँ पर क्या होता है, हाइएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल, ये भी ठीक है, लेकिन वहाँ पे पूरे पॉलिनोमियल के, पूरे इक्वेशन के, यहाँ पे हेडिंग कौन सी है? डिग्री ऑफ टर्म। तो जो जितनी टर्म पूछे किसी इक्वेशन में बस उसका, ठीक है। तो यहाँ पर हमने क्या किया, 2x² y, ये जो पहली टर्म है उसी की हमको डिग्री देखनी है। तो करना क्या, सिंपल, सम, सम यानी क्या होता है, एडिशन, किसका? पावर्स ऑफ वेरिएबल्स इन द टर्म। तो इस टर्म में जो वेरिएबल है, यहाँ पे वेरिएबल कौन है? x है, जिसका पावर 2 है। यहाँ पे दूसरा वेरिएबल y है, जिसका पावर दिखता नहीं, मतलब 1 है। तो इन दोनों पावर्स की आप सम कर दो तो 2+1 क्या होगा? 3। यानी यहाँ पर आपकी डिग्री ऑफ टर्म क्या हो जाएगा? 3 हो जाएगा, ठीक है। चलो अब हम सेकेंड देखते हैं। मान लीजिए कि हमारे पास है दूसरी टर्म, डिग्री ऑफ क्या है? 3x² y² आप यहाँ पे चेक करो, यहाँ पर 3 तो नंबर है, उसको छोड़ दो। ये x है वेरिएबल, y वेरिएबल, दोनों का पावर है 2 और 2, तो 2 और 2 कितना हो जाएगा? 4। तो यहाँ पर हमारे इस टर्म की डिग्री हो जाएंगे 4। वैसे यहाँ पर देख लीजिए क्या है, डिग्री ऑफ क्या है? 8xyz² है, ठीक है। तो यहाँ पर 3 वेरिएबल बच्चों, कौन? एक्स है, वाई है, जेड स्क्वायर है। तो इसके एक्स का पावर 1, वाई का पावर 1, 2 हो गए, और ये जो पावर 2 है इनको मिला दो तो क्या हो जाएगा? 4। इसलिए यहाँ पर डिग्री ऑफ दिस टर्म इज आल्सो 4, ठीक है। तो इस तरह से आप डिग्री ऑफ टर्म निकाल सकते हैं। इसको क्या निकाल सकते हैं आप? डिग्री ऑफ टर्म। तो ध्यान में रखो, डिग्री ऑफ टर्म का मतलब क्या? सम ऑफ पावर्स ऑफ वेरिएबल इन दैट टर्म, ठीक है, रहेगा ध्यान में, ठीक। चलो अब आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर हम थोड़ा सा एक और टर्म यहाँ पर देखते हैं, ठीक है। हम यहाँ पर देखते हैं होमोजेनस इक्वेशन, क्या बोलेंगे हम यहाँ पर? होमोजेनस इक्वेशन। तो किसे कहेंगे आप होमोजेनस इक्वेशन, वो देखते हैं यहाँ पर हम। सो क्या होता है ना, कोई भी इक्वेशन ले लो आप, ठीक है। जैसे 2 मिनट के लिए जैसे हमने ऊपर में एक इक्वेशन ले लिया है, ठीक है। यहाँ पे हर टर्म की डिग्री चेक करो भला, यहाँ पर इस टर्म की डिग्री है 3, ये टर्म की डिग्री है 4 और इस टर्म की डिग्री है 4, ठीक है। अगर मैं तीनों टर्म की डिग्री को चेक करो तो इन दो टर्म की डिग्री तो 4 है, ठीक है, यानी सेम है, लेकिन इसके साथ में सेम नहीं है, ठीक है। तो हमको होमोजेनस इक्वेशन किसे कहना है, जिस इक्वेशन में जितनी भी टर्म्स है उन सभी टर्म्स की डिग्री अगर सेम है तो उन्हें हम कहते हैं होमोजेनस इक्वेशन, ठीक है। यानी सिंपल क्या बोलेंगे हम, इक्वेशन, ठीक है, हैविंग सेम डिग्री, ठीक है, क्या बोलेंगे यहाँ पर, हैविंग सेम डिग्री ऑफ ईच टर्म, यानी जितने भी टर्म्स है उन सभी टर्म्स के डिग्री कैसी, वो सेम, ऐसे इक्वेशन को क्या कहेंगे हम, होमोजेनस इक्वेशन कहेंगे, ठीक है। जैसे मैं यहाँ पर आपको एक एग्जांपल देना चाहता हूँ, ठीक है। तो मान लीजिए कि हमारे पास है 3x² - 8xy + 7y² = 0। अब बच्चों यहाँ पे सबसे पहले आप चेक कर लीजिए कितने टर्म्स है। फर्स्ट ऑफ ऑल देर आर 3 टर्म्स, फर्स्ट टर्म इज 3x²
सेकेंड टर्म माइनस एट एक्स वाई एंड थर्ड टर्म में सेवन वाई स्क्वेयर है। अब सबकी हम क्या करते हैं, डिग्री चेक करते हैं यहाँ पर। अब डिग्री का मतलब मालूम हो गया हमको, सम ऑफ पावर्स ऑफ वेरिएबल। तो यहाँ पे सिर्फ क्या है, एक्स स्क्वेयर है, तो डिग्री हो गई टू, ठीक है। यानी इस टर्म के लिए डिग्री कितनी हो गई हमारी, टू हो गई। दूसरा देखो, यहाँ पर एक्स है और वाई है, एक्स का पावर वन है और वाई का पावर भी क्या है, वन है। वन और वन कितना हो जाएगा, टू, ठीक है। तो उसकी डिग्री भी कितनी है, टू है, ठीक है। और तीसरी टर्म जो है सेवन वाई स्क्वायर, वहाँ पे उसकी डिग्री अगर चेक करते तो वाई का पावर टू है, दूसरा वेरिएबल है ही नहीं, तो वहाँ पर भी डिग्री कितनी हो जाएंगी, टू ही हो जाएंगे। तो आप अगर देखेंगे तो तीनों के तीनों टर्म्स की डिग्री कैसे है, सेम है। इसलिए बच्चों इसको हम कहेंगे होमोजीनस इक्वेशन। इसे क्या कहेंगे हम, होमोजीनस इक्वेशन कहेंगे। तो ये आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। जिस इक्वेशन में हर टर्म की डिग्री कैसे वो सेम, उसको क्या कहेंगे, होमोजीनस इक्वेशन। यानी यहाँ पे लिखेंगे हम, दिस इक्वेशन इज ए होमोजीनस इक्वेशन। ये क्या हमारे पास में होमोजीनस इक्वेशन है, ठीक है, ये आपको ध्यान में रखना है। अब अगर मान लीजिए ऊपर का ही हम ले लेते एग्जाम्पल, ठीक है। ऊपर का कौन सा एग्जाम्पल है हमारे पास में, सेकंड एग्जाम्पल कौन सा है वो, ठीक है, टू एक्स स्क्वेयर वाई, ठीक है, प्लस थ्री एक्स स्क्वेयर वाई स्क्वेयर प्लस एट एक्स वाई जेड स्क्वेयर इज इक्वल टू जीरो, ठीक है। अब आप ही बताओ, आप बताओ, मुझे बताने की जरूरत नहीं रहनी चाहिए। सबसे पहले इस टर्म की डिग्री थ्री है, इस टर्म की डिग्री फोर है, इस टर्म की डिग्री भी फोर है, ऑलरेडी हमने ऊपर में देखा है। तो यहाँ पर दो टर्म की डिग्री सेम है, ये ठीक है, लेकिन इसके साथ में तीसरे टर्म की नहीं है, ठीक है। यानी तीनों की तीनों जो टर्म्स है उन सभी टर्म की डिग्री अगर सेम होती ना तो हम इसको क्या कहते हैं, होमोजीनस। तो अभी इस इक्वेशन को होमोजीनस इक्वेशन नहीं कहेंगे, ठीक है। यानी क्या बोलेंगे, दिस इक्वेशन इज नॉट ए होमोजीनस इक्वेशन। ये हमारा होमोजीनस इक्वेशन नहीं है, रहेगा ध्यान में। सो सिंपल, अब आपके ध्यान में रहना चाहिए कि होमोजीनस इक्वेशन आप किसे कहेंगे। तो होमोजीनस इक्वेशन बच्चों किसे कहेंगे, सिंपल है, बताओ क्या है, जिस इक्वेशन में जितने भी टर्म्स हैं उन सभी टर्म्स की डिग्री अगर सेम है तो समझ जाइए कि वो क्या है, हमारा होमोजीनस इक्वेशन है, ठीक है। चलो थोड़ा सा एक स्टेप आगे बढ़ते हैं, पहले तो इसको थोड़ा रिवाइज कर लो। डिग्री ऑफ टर्म का मतलब सम ऑफ पावर्स ऑफ वेरिएबल्स इन द टर्म, यहाँ पे एग्जाम्पल है। होमोजीनस इक्वेशन किसे कहेंगे, इक्वेशन हैविंग सेम डिग्री ऑफ ईच टर्म, उसको कहेंगे, एग्जाम्पल आपके सामने, ठीक है। चलो एक और पॉइंट यहाँ पर देखते हैं, हेडिंग डाल देते हैं होमोजीनस इक्वेशन, क्या बोलेंगे हम, होमोजीनस इक्वेशन ऑफ डिग्री टू, होमोजीनस इक्वेशन ऑफ डिग्री टू इन एक्स एंड वाई, इन एक्स एंड वाई, ठीक है। होमोजीनस इक्वेशन इन डिग्री टू बोलो, ऑफ डिग्री टू बोलो, ठीक है। यानी डिग्री टू यानी उनका जो पावर है हर टर्म का, ठीक है, वो क्या रहने वाला है, टू रहने वाला है, ठीक है। इन एक्स एंड वाई यानी वेरिएबल कौन होंगे, एक्स और वाई होंगे, ठीक है। डिग्री कितनी होंगी हर टर्म की, टू होंगे, ठीक है। तो होमोजीनस तो ऑलरेडी हो ही जाएगा, लेकिन स्पेशली इन एक्स एंड वाई, ठीक है। अब बच्चों इसके लिए, इसको समझने के पहले ना थोड़ा सा एक काम करते हैं, यहाँ पर क्या करते हैं, हम कुछ इक्वेशन लेते हैं, हम उसको सॉल्व करते हैं। पहले देखो, सबसे पहले तो हमने जब शुरुआत की थी इस चैप्टर की तो स्टार्टिंग में हमने बेसिक पॉइंट्स देखे थे। आपको मालूम है बेसिक पॉइंट्स में हमने अलग अलग इक्वेशन देखे थे लाइन्स के, उसी प्रकार हमारे पास में जनरल इक्वेशन ऑफ लाइन्स की बात करते, ठीक है। यानी जनरल इक्वेशन क्या था हमारे पास में, तो वो था हमारे पास ax plus by plus c is equal to zero, ठीक है। यहां पर ये जो c होता है बच्चों, ठीक है, ये c प्रेजेंट रहने के कारण समझ जाओ कि वो इक्वेशन ऑफ लाइन जो भी है, तो जो लाइन मिलेगी वो ओरिजिन से नहीं जाएंगे, ठीक है। सो अगर मान लीजिए कि लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन है, ठीक है, फॉर लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन, पासिंग थ्रू ओरिजिन अगर है, ठीक है, थ्रू ओरिजिन, तो हमारे पास जो इक्वेशन होता है वो सिंपल क्या होता है, ए एक्स प्लस बी वाई इज इक्वल टू जीरो, ठीक है, एक्स प्लस बी वाई इज इक्वल टू जीरो, ये ध्यान में रखो आप, ठीक है। तो हमारे पास में ये इक्वेशन है ऑफ लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन। अब हम यहाँ पे क्या करते हैं, दो इक्वेशन ऑफ लाइन लेते हैं जो कहाँ से जा रहे हैं, ओरिजिन से जा रहे हैं, ठीक है। सो टू लाइन्स ले लेते हैं हमारे पास, टू लाइन्स, ठीक है। देखो हम ये रफ में पढ़ते हैं और जो भी है डायरेक्ट यहाँ पर लिख देंगे। तो पहले इसको समझो, पहले तो ये हमारा कौन सा है, जनरल इक्वेशन ऑफ लाइन, ये क्या है, जनरल इक्वेशन ऑफ लाइन है लेकिन पासिंग थ्रू स्पेशली ओरिजिन है। अब टू लाइंस लेते हैं पासिंग थ्रू ओरिजिन, टू लाइंस पासिंग थ्रू ओरिजिन। तो देखो दो लाइंस लेना है तो वहाँ पर हम हेडिंग डाल लेते हैं, ए वन एक्स प्लस बी वन वाई इज इक्वल टू जीरो, ये है हमारी मान लीजिए फर्स्ट लाइन, ये क्या है, फर्स्ट लाइन है, ठीक है। दूसरी समझो, ए टू एक्स प्लस बी टू वाई इज इक्वल टू जीरो, ये हमारी है सेकेंड लाइन, ठीक है।
अब ये दो लाइंस हो गए, अब ये तो सेपरेट इक्वेशन ऑफ लाइंस हो गए, स्पेशल ध्यान में रखना ये कहाँ से जा रही है, पासिंग थ्रू ओरिजिन, ठीक है। अब इसका हम क्या करते हैं, कंबाइन इक्वेशन निकालते हैं। अब बच्चों आपको मालूम है कंबाइन इक्वेशन कैसे निकालते हैं, अगर मान लीजिए कि इसको मैं नाम देता यू और इसको अगर मैं नाम देता वी, तो कंबाइन इक्वेशन कैसे निकालते हैं, तो कंबाइन इक्वेशन आपको मालूम है कंबाइन इक्वेशन कैसे निकालते हैं हम, तो यू इंटू वी इज इक्वल टू जीरो होता है। चलो अब यू की जगह पर क्या रखेंगे हम, तो ए वन एक्स प्लस बी वन वाई, ठीक है, इंटू यहाँ पर क्या होगा v ए टू एक्स प्लस बी टू वाई, ठीक है, और इज इक्वल टू क्या हो जाएगा जीरो। अब इसको सॉल्व करो, ठीक है, ये जो पहली टर्म है इससे सबको मल्टीप्लाई करो, तो देखो ए वन एक्स और ए टू एक्स, तो क्या होगा ए वन ए टू एक्स 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 स्क्वेयर हो जाएगा। अब इसी से इसको मल्टीप्लाई करो तो क्या होगा प्लस ए वन, साथ में लेते बी टू और यहाँ पर हो जाएगा एक्स वाई, ठीक है, प्लस अब किससे मल्टीप्लाई करते हैं इससे, तो इससे पहले इसको करो, तो बी वन वाई ए टू एक्स है, इसको मैं ऐसा लिख सकता हूँ ए टू ये बी वन और एक्स और वाई हो जाएगा, प्लस अब क्या होगा यहाँ पर बी वन वाई बी टू वाई, तो बी वन बी टू लिखेंगे बी वन बी टू और वाई वाई क्या हो जाएगा वाई स्क्वायर इज इक्वल टू जीरो, ये इक्वेशन मिल गया। अब बच्चों यहाँ पर आप थोड़ा स्पेशली चेक करो, तो यहाँ पर इन दोनों में हमारे पास एक्स वाई क्या है कॉमन है, एक्स वाई को बाहर निकाल देते हैं, ठीक है, तो अगर आप ऐसे एक्स वाई को बाहर निकालेंगे तो क्या होगा ए वन ए टू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई को बाहर निकालो क्या बचेगा ए वन बी टू प्लस ए टू बी वन, ठीक है, और साथ में एक्स वाई प्लस ये होगा बी वन बी टू वाई स्क्वायर इज इक्वल टू जीरो, ठीक है। अब बच्चों इसको चेक करो बराबर, ये जो हमारे पास में टर्म है ये दूसरी टर्म है ये तीसरी टर्म है, ठीक है, यहाँ पर वेरिएबल कौन है एक्स है जिसका पावर टू है, यानी इस टर्म की डिग्री जो हो गई, ठीक है, इस टर्म की डिग्री कितनी होगी बच्चों, इसकी डिग्री होगी टू, ठीक है। अब यहाँ पर चेक करो ये तो नंबर्स है, ये एक्स और वाई है, एक्स का पावर वन है वाई का पावर भी वन है, वन और वन कितना हो जाएगा टू, यानी इस टर्म की डिग्री भी क्या है टू है। आगे बढ़ते यहाँ पर वेरिएबल है वाई उसका स्क्वेयर है तो इसकी भी डिग्री हो गई टू। पहली बात तो ये कौन सी कि यहाँ पर इस टर्म की डिग्री इस टर्म की डिग्री इस टर्म की डिग्री तीनों की डिग्री हर टर्म की डिग्री सेम है, और जब डिग्री क्या होती है सेम तो उसको क्या कहते हैं हम होमोजीनस इक्वेशन, ये तय हो गया। दूसरी बात यहाँ पर x एक्स वाई वाई है, इसका मतलब यहाँ पर ठीक है वेरिएबल्स कौन है x और y है, और दूसरी बात सबकी डिग्री क्या है टू है, यानी डिग्री सेम होने के कारण क्या कहेंगे उसको हम होमोजीनियस इक्वेशन, सबकी डिग्री टू टू है तो होमोजीनियस इक्वेशन ऑफ डिग्री टू, और यहाँ पर देखेंगे x है y है x है y है, ठीक है, इसलिए इन x एंड y यानी ये जो कंबाइंड जो हमने हेडिंग डाली कौन से होमोजीनियस इक्वेशन ऑफ डिग्री टू इन x एंड y, सो दिस इक्वेशन विल बी होमोजीनियस इक्वेशन ऑफ डिग्री टू इन एक्स एंड वाई, ठीक है। अब थोड़ा सा एक काम करते हैं हम, यहाँ पर जो हमारे पास में ये जो है ए वन ए टू इसके जगह पे कुछ दूसरा वेरिएबल रख देते, ठीक है, सो मान लीजिए कि क्या करते हैं कि ए वन ए टू के जगह पे मैं सिंपली ए रख देता हूँ, ठीक है, और यहाँ से इतना जो पोर्शन है कौन सा है ए वन बी टू प्लस ए टू बी वन इज इक्वल टू, मैं इसके जगह पे ट्वाइस एच रख देता हूँ ट्वाइस एच, ठीक है, और यहाँ पर जो है बी वन बी टू इसके जगह पे मैं बी रख देता हूँ, ठीक है। अब बच्चों आप ही बताओ ये इक्वेशन थोड़ा मॉडिफाई होके क्या बनेगा, इसके जगह पे क्या आने वाला है ए, तो ये बनेगा ए, ठीक है, साथ में एक्स स्क्वायर प्लस ये पूरा जो पोर्शन है इसके जगह पे क्या आने वाला है ट्वाइस एच, ए ट्वाइस एच, साथ में आएगा एक्स वाई प्लस ये जो बी वन बी टू है इस बी वन बी टू के जगह पे आई विल पुट हियर वाई सॉरी बी एंड देर विल बी वाई स्क्वायर हियर इज इक्वल टू जीरो, ठीक है। तो ये जो इक्वेशन है ना बच्चों अब इसी को थोड़ा सा ऊपर का ही है जो ऑलरेडी हम पढ़ चुके हैं कि वो होमोजीनियस इक्वेशन ऑफ डिग्री टू इन एक्स एंड वाई है, इसको थोड़ा मॉडिफाई करके कुछ वैल्यू पुट करके रखा है, सो दिस इक्वेशन इज योर होमोजीनियस इक्वेशन ऑफ डिग्री टू इन एक्स एंड वाई, ठीक है। तो यहाँ पर इस इक्वेशन को मैं यहाँ लिख देता हूँ क्या था वो, तो ए एक्स स्क्वायर प्लस ट्वाइस एच एक्स वाई प्लस बी वाई स्क्वायर इज इक्वल टू जीरो, दिस इक्वेशन इज द होमोजीनियस इक्वेशन ऑफ डिग्री टू इन एक्स एंड वाई, ये आपको ध्यान में रखना है बच्चों, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या है होमोजीनियस इक्वेशन ऑफ डिग्री टू इन
इन एक्स एंड वाई, यानी वेरिएबल कौन होंगे, एक्स और वाई रहेंगे यहाँ पर। उसके बाद में इसकी डिग्री क्या है, टू है, और सभी टर्म की डिग्री क्योंकि टू है, सेम है, इसलिए वो होमोजेनस इक्वेशन है। ठीक है, तो बच्चों यहाँ पर इस चीज़ को आप ध्यान में रखो। ठीक है, जो आज के टॉपिक में हम पढ़े कौन सा, डिग्री ऑफ टर्म, उसके बाद में होमोजेनस इक्वेशन क्या होता है, और होमोजेनस इक्वेशन ऑफ डिग्री टू इन एक्स एंड वाई, ये हम यहाँ पर पढ़े। ठीक है, अब इसी का इस्तेमाल करके, जैसे लास्ट टाइम में हमने बोला था कि कुछ जैसे हमको सेपरेट इक्वेशन निकालना होता है कंबाइंड इक्वेशन से, तो उसके लिए हमने फैक्टराइजेशन मेथड तो यूज़ कर ही ली है। ठीक है, अब इसका इस्तेमाल करके, ठीक है, इसका इस्तेमाल करके आगे हम इसको और भी पढ़ने वाले, बस इतना ही है, ऐसा नहीं है। ठीक है, अब उसके बाद में कुछ कंडीशंस होती है, इन्हीं से स्लोप्स मिलते हैं, स्लोप की सम होती है, स्लोप का प्रोडक्ट होता है, वो हमारा नेक्स्ट क्लास में होने वाला है। ठीक है, तो इसके बाद जो हमारा टॉपिक ऑलरेडी चल रहा था सेपरेट इक्वेशन निकालना, तो उसके लिए इसकी हम मदद लेंगे। ठीक है, किस चीज़ की, होमोजेनस इक्वेशन ऑफ डिग्री टू इन एक्स एंड वाई, क्या है वो, एक्स स्क्वायर प्लस वाई एच एक्स वाई प्लस बी वाई स्क्वायर इज इक्वल टू जीरो। यहाँ पे ध्यान में रखना, एक्स स्क्वायर के साथ में जो भी आपको दिया जाएगा वो ए होगा। ठीक है, टू एक्स वाई को छोड़ दो तो एच हो जाएगा, या फिर एक्स वाई को छोड़ दो तो ट्वाइस एच होगा, जो भी वैल्यू होंगे उससे आप एच निकाल सकते हो। और बी वाई स्क्वायर है तो वाई स्क्वायर के साथ जो भी नंबर होगा वो बी मिल जाएगा। और उसके बाद में जब सेपरेट इक्वेशन आप निकालेंगे, तो सेपरेट इक्वेशन निकालने के लिए लास्ट टाइम में भी मैंने आपको फार्मूला बताया था, अभी भी मैं आपको फार्मूला बताता हूँ कि सेपरेट इक्वेशन निकालना है तो वाई इज इक्वल टू माइनस एच प्लस माइनस रूट ऑफ क्या है, एच स्क्वायर माइनस ए बी अपॉन टोटल हमारे पास है अपॉन में बी और साथ में एक्स। तो ये यहाँ से इसका इस्तेमाल करके आप सेपरेट इक्वेशन ऑफ लाइंस निकाल सकते हो व्हेन यू हैव बीन गिवन द कंबाइंड इक्वेशन ऑफ द लाइंस। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पे ये चीज़ ध्यान में रखना है आपको। ठीक है, तो इस चीज़ को बराबर समझो। ठीक है, आगे हम पढ़ते जो हमारी एक्सरसाइज चल रही थी हमारी, ठीक है, 4.1, उसमें हमारे सेकंड क्वेश्चन थे जिसमें हमारे पास में सेपरेट इक्वेशन निकालना था। उन सेपरेट इक्वेशन में से कुछ इक्वेशंस को सॉल्व करेंगे, सेपरेट इक्वेशंस निकालेंगे हम बाय यूजिंग दिस। ठीक है बच्चों, सो इसको हम आगे में देखते हैं। वेलकम बच्चों, हमारा चैप्टर चल रहा है पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन, जिसमें एक्सरसाइज है 4.1, उसमें सेकंड क्वेश्चन है, उसमें सब क्वेश्चन है सिक्स्थ और सेवन्थ। ठीक है, तो बच्चों लास्ट टाइम हमने क्या किया था कि सेपरेट इक्वेशन ऑफ लाइंस देखे थे, जिसके लिए हमने स्पेशली फैक्टराइजेशन मेथड वगैरह यूज़ की थी। ठीक है, और मैंने उस समय में कहा था कि इसको हम थोड़ा सा अलग मेथड से भी देखेंगे। ठीक है, और स्पेशली कुछ इस तरह के अगर प्रॉब्लम्स आ गए तो जो मेथड आज हम लगाएंगे उसको करेंगे तो पट से हमारा आंसर आ जाता है। ठीक है, तो सबसे पहले बच्चों ये यहाँ पर जो इक्वेशन है हमारे पास में, ठीक है, जो इक्वेशन उन्होंने दिया है ये इक्वेशन कंबाइंड इक्वेशन ऑफ लाइंस है। ठीक है, और उन्होंने कहा है कि फाइंड द सेपरेट इक्वेशन ऑफ लाइन, तो सबसे पहले करना क्या है ये चीज ध्यान में रखो। तो आपको होमोजेनस इक्वेशन इन टू वेरिएबल, ठीक है, फॉर डिग्री टू, ये ध्यान में रखना है। तो आपके पास इक्वेशन होगा ए एक्स स्क्वायर प्लस ट्वाइस एच एक्स वाई प्लस बी वाई स्क्वायर इज इक्वल टू जीरो। ठीक है, तो ये हमारा क्या है बच्चों, होमोजेनस इक्वेशन इन एक्स एंड वाई। तो सबसे पहले जो भी इक्वेशन आपको दिया जाएगा उस इक्वेशन को आप इससे क्या कर दीजिए, कंपेयर कर दीजिए। ठीक है, तो यहाँ पर एक्स स्क्वायर के साथ में जो होगा वो आपका ए होगा, एक्स वाई के साथ जो होगा वो आपका ट्वाइस एच, और वाई स्क्वायर के साथ में जो होगा वो बी। तो आपको करना क्या है कि पहले ए इज इक्वल टू निकाल देना है, उसके बाद आप एच इज इक्वल टू निकालेंगे, यानी एक्चुअली ट्वाइस एच इज इक्वल टू कुछ रहेगा, उससे आप एच इज इक्वल टू निकाल दो, और उसके बाद में आप बी इज इक्वल टू कुछ निकाल दो। ठीक है, जो भी वैल्यूज आएंगे इनके, उसके बाद में आप क्या करेंगे, सेपरेट इक्वेशंस ऑफ लाइंस चाहते हो। ठीक है, तो सेपरेट इक्वेशन ऑफ लाइंस क्या होगा, तो y इज इक्वल टू, ध्यान में रखो ये जो फार्मूला हमारे पास सेपरेट इक्वेशन ऑफ लाइन निकालने का, ठीक है, किसी भी क्वेश्चन के लिए आप लगा सकते हो जो थोड़ा सा हमको होमोजेनस इक्वेशन इन x एंड y दिखता है उसके लिए। ठीक है, जो हम यहाँ पर लगाने वाले, तो क्या करना है हमको कि y इज इक्वल टू, ध्यान में रखना है, माइनस एच प्लस माइनस रूट ऑफ एच स्क्वायर माइनस ए बी अपॉन बी, और इन सब को ब्रैकेट में डालकर x, ये अब इसको सॉल्व करते जाना है। जैसे आप सॉल्व करेंगे आखिरी आखिरी में जाएंगे, आपको दो इक्वेशन मिलेंगे। अब दो इक्वेशन कैसे मिलेंगे, क्योंकि बीच में प्लस माइनस आ गया, इसके कारण आपको दो इक्वेशन मिल जाएंगे। ठीक है, तो जो भी आपके इक्वेशन मिलेंगे दो, दे आर नथिंग बट सेपरेट इक्वेशन ऑफ द लाइन्स, वही आपके क्या हो जाएंगे, सेपरेट इक्वेशन ऑफ लाइन्स होंगे। ठीक है, तो चलो आप इसको क्या करते हैं अभी क्वेश्चन के हिसाब से पढ़ते हैं यहाँ पर। ठीक, तो देखो हमारे पास है फिर से एक बार क्वेश्चन, फाइंड सेपरेट इक्वेशन ऑफ लाइंस, जिसमें हमारे पास पहला क्वेश्चन लेते हैं, गिवन इक्वेशन यहाँ पर लिख देते हम, गिवन इक्वेशन यानी गिवन कंबाइंड इक्वेशन ऑफ लाइंस। देखो क्या है हमारे पास, तो पहला है एक्स स्क्वायर प्लस ट्वाइस, यहाँ पर है कोसेक अल्फा एक्स वाई
प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू जीरो। मैंने क्या कहा, वो इक्वेशन को आप इससे कंपेयर करेंगे, यानी आप हेडिंग डाल दीजिए कंपेयरिंग विथ किसके साथ आप कंपेयर करेंगे, तो ये जो इक्वेशन है आपका कौन सा होमोजेनस इक्वेशन इन एक्स एंड वाई, ए एक्स स्क्वायर क्या है प्लस ट्वाइस एच एक्स वाई प्लस बी वाई स्क्वायर इज इक्वल टू जीरो। ठीक है, अब मैंने कहा एक्स स्क्वायर के साथ में जो ए है तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर के साथ कुछ नहीं मतलब वन है, इसलिए ए इज इक्वल टू क्या होगा वन। ठीक है, फिर एक्स वाई के साथ ट्वाइस एच है तो ट्वाइस एच इज इक्वल टू, देखो एक्स वाई है, एक्स वाई के साथ क्या हो जाएगा ट्वाइस कोसेक अल्फा होगा, और इसीलिए यहाँ से h को आप अकेला कर दो तो दोनों तरफ से 2 चला जाएगा तो h इज इक्वल टू कोसेक अल्फा हो गया। ठीक है, चलो अब b कहाँ से मिलेगा, वाई स्क्वायर वाली जो टर्म है यहाँ पे कुछ नहीं है वन, मतलब b इज इक्वल टू आपका होगा 1। ठीक है, तो देखो वी हैव फाउंड a h एंड b हो गया, अब आपको क्या निकालना है सेपरेट इक्वेशन, तो यहाँ पर हेडिंग डाल देते सेपरेट इक्वेशन ऑफ लाइन्स, सेपरेट इक्वेशंस ऑफ लाइन्स, लाइन्स का सेपरेट इक्वेशंस। ठीक, तो फार्मूला क्या कहा मैंने, y इज इक्वल टू माइनस एच प्लस माइनस रूट ऑफ एच स्क्वायर माइनस ए बी अपॉन बी, पूरे ब्रैकेट को आप लगा दीजिए x, यानी क्या हो जाएगा y इज इक्वल टू माइनस एच प्लस माइनस रूट ऑफ क्या है एच स्क्वायर माइनस ए बी अपॉन बी इंटू एक्स। ठीक है, चलो अब यहाँ पर वैल्यू रखिए आप, तो यहाँ पर हमारे पास में है माइनस यच, आप यच देखो क्या है कोसेक अल्फा है, तो यहाँ पर लिख देते कोसेक अल्फा प्लस माइनस, आप यहाँ पर अंडर रूट में जाएंगे एच स्क्वायर, मतलब क्या हो जाएगा कोसेक स्क्वायर अल्फा माइनस ए बी, ए बी का मतलब ए यानी वन इंटू, फिर से बी यानी क्या हो जाएगा वन अपॉन, नीचे में क्या है बी, तो बी देखो क्या है यहाँ पर वन है। ठीक है, और इंटू एक्स, चलो आप इसको सॉल्व कर दीजिए, तो ये माइनस कोसेक अल्फा है, ठीक है प्लस माइनस, अब इसको थोड़ा सा डायरेक्ट सॉल्व कर लेते, चलो यहाँ पे कोसेक स्क्वायर अल्फा है, ये माइनस वन इंटू वन वन हो जाएगा, कोसेक स्क्वायर माइनस वन, एक्चुअल हमारे पास फार्मूला है कौन सा कि कोसेक स्क्वायर अल्फा इज इक्वल टू वन प्लस कॉट स्क्वायर अल्फा है ये हमारे पास में फार्मूला। तो अब यहाँ पर इसको आप जब इधर भेज देंगे बच्चों, ठीक है, यानी क्या हो जाएगा कोसेक स्क्वायर माइनस वन, तो ये जब इधर आ जाएगा तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी कॉट स्क्वायर अल्फा। ठीक, अब कॉट स्क्वायर अल्फा है लेकिन वो किस चीज़ में है, हमारे स्क्वायर रूट में, या फिर एक काम करो एक स्टेप कर लेते हैं, तो यहाँ पर मिल जाएगा आपको कॉट स्क्वायर अल्फा। ठीक है, और ये वन नहीं लिखा तो भी चल जाएगा, ये आपके पास एक्स है इक्वल टू क्या हो जाएगा यहाँ पर देखो हमारे पास, तो वाई इक्वल टू होगा, ठीक है, यहाँ पर देखो मैं इसमें से एक काम करता हूँ माइनस को बाहर निकाल देता हूँ तो ब्रैकेट रहेगा यहाँ पर, ये हो जाएगा हमारे पास कोसेक अल्फा, यहाँ पे साइन चेंज कर लेंगे माइनस प्लस हो जाएगा, वैसे प्लस माइनस लिखा तो भी फर्क नहीं पड़ता, और यहाँ पे कॉट स्क्वेयर अल्फा है और ये स्क्वेयर रूट है तो स्क्वेयर और स्क्वेयर रूट कैंसिल होगा, तो यहाँ पर बचेगा कॉट अल्फा साथ में एक्स हो जाएगा। अब बच्चों यहाँ पर ना हमारे पास में दो इक्वेशन मिलेंगे, ठीक है, यहाँ पर सो y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो देखो पहला क्या लेते हैं माइनस, ठीक है, ये हो जाएगा कोसेक अल्फा माइनस कॉट अल्फा x एंड, ठीक है, अब एक प्लस वाला लेते हैं, यानी क्या हो जाएगा यहाँ पर y इज इक्वल टू माइनस, ये बन जाएगा कोसेक अल्फा नीचे प्लस कॉट अल्फा x, ऐसा हो जाएगा। ठीक है, अब इसको एक काम करते हैं, ये पूरा का पूरा जो पोर्शन है देखो ये पूरा पोर्शन हम लेफ्ट हैंड साइड में ला लेते हैं, यानी ये माइनस है तो प्लस बन जाएगा, यानी यहाँ पर होगा दैट इज हम लिखेंगे यहाँ पर क्या हो जाएगा कोसेक अल्फा माइनस कॉट अल्फा एक्स और प्लस वाई इज इक्वल टू जीरो। देखो ये पूरा पोर्शन हमने इधर ला लिया और वाई तो है ही, ये हो जाएंगे बच्चों हमारे फर्स्ट लाइन का इक्वेशन, ठीक है, क्योंकि हमको सेपरेट इक्वेशन निकालना था तो ये पहला आंसर हो गया। दूसरा इसको भी आप क्या करो पूरा इधर भेज दो, यानी क्या हो जाएगा कोसेक अल्फा प्लस, अब यहाँ पे देखो क्योंकि ये माइनस है तो यहाँ पर प्लस हो जाएगा, पूरा पूरा ब्रैकेट लिखेंगे हम, ठीक है, पूरा इसको ब्रैकेट में लिखेंगे, ये प्लस क्या है हमारे पास कॉट अल्फा है साथ में एक्स और इधर में ऑलरेडी क्या है हमारे पास वाई इज इक्वल टू जीरो, तो ये बन जाएगा हमारे पास सेकंड इक्वेशन, यानी जो उन्होंने क्या किए थे हमको सेपरेट इक्वेशन ऑफ लाइंस पूछे थे, तो सेपरेट इक्वेशन ऑफ लाइंस ऑलरेडी हमने यही पे हेडिंग दे दी है, तो पहला क्या है कोसेक अल्फा माइनस कॉट अल्फा एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू जीरो, दूसरा है कोसेक अल्फा प्लस कॉट अल्फा
इंटू एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू जीरो. तो दीज आर दी सेपरेट इक्वेशन ऑफ लाइन्स, ये आपको ध्यान में रखने, यानी इस तरह से सॉल्व करने. चलो एक और क्वेश्चन यहाँ पर हम लेते हैं, यानी आपकी अभी यहाँ पर प्रैक्टिस हो जाएंगे. फिर इसके जैसे आपको क्या करना है, घर में होमवर्क करने, कहाँ से, सॉल्व एग्जाम्पल और मिसलेनियस एक्सरसाइज में से. ठीक है, तो चलो अभी आई होप कि आपके ये ध्यान में ऑलरेडी आ गया होगा. एक प्रश्न यहाँ पे पढ़ने के बाद में और भी ज़्यादा क्लियर हो जाएगा. ठीक है, तो चलो इसको मैं रिमूव कर देता हूँ. अभी देखो, तो सबसे पहले जो कहा मैंने, आप गिवन इक्वेशन लिखेंगे, गिवन इक्वेशन के बाद में उसको कंपेयर करेंगे होमोजेनियस इक्वेशन के साथ में. ठीक है, और उसके बाद में ए एच और बी निकालेंगे, और बाद में तो फार्मूले के अनुसार काम करना. ठीक है, सो लेट्स सी नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7. सो राइट हियर गिवन, गिवन कंबाइंड इक्वेशन. तो गिवन सिंपल इक्वेशन लिखते हम. ठीक है, देखो क्या दिया उन्होंने, इट इज एक्स स्क्वेयर प्लस क्या दिया है, ट्वाइस एक्स वाई साथ में टैन अल्फा माइनस वाई स्क्वेयर इज इक्वल टू जीरो. ठीक, टेक्निक हमारे क्या है, कंपेयर करो पहले. तो यहाँ लिखेंगे हम कंपेयरिंग विद, कंपेयरिंग विद किसके साथ कंपेयर करेंगे, तो ए एक्स स्क्वेयर प्लस ट्वाइस एच एक्स वाई प्लस बी वाई स्क्वेयर इज इक्वल टू जीरो. चलो बताओ, ए डायरेक्ट करो अभी, ए एक्स स्क्वेयर के साथ कुछ नहीं, यानी वन. ठीक है, अब यहाँ पे ट्वाइस एच इज इक्वल टू लिखने के बजाय मैं डायरेक्ट एच लिख लेता हूँ मैं. ठीक है, तो सिर्फ h को लिखना है, तो 2xy छोड़ दो, 2xy छोड़ दो, तो कौन आ जाएगा, h यानी tan अल्फा, या फिर आप उसके जैसा कर सकते हो. और ये जो b है ये किसके साथ है, y स्क्वायर के साथ है, y स्क्वायर के साथ कुछ नहीं तो 1 है लेकिन माइनस में, तो यहाँ पर b बन जाएगा माइनस 1 हो जाएगा. अब हेडिंग दे दो, क्या है हेडिंग हमारे पास में, लिखेंगे क्या, सेपरेट, सेपरेट इक्वेशंस ऑफ लाइंस, सेपरेट इक्वेशंस ऑफ लाइन्स. चलो बताओ क्या फार्मूला है, तो y इज इक्वल टू माइनस एच प्लस माइनस रूट ऑफ एच स्क्वायर माइनस ए बी पूरा अपॉन में चला जाएगा b और इंटू एक्स. ठीक, चलो सिंपली वैल्यू रखो, ये हमारे पास है माइनस एच, एच देखो क्या है, इट इज टैन अल्फा प्लस माइनस. ठीक है, यहाँ पर देखो एच स्क्वायर, यानी फिर से क्या हो जाएगा, टैन स्क्वायर अल्फा माइनस ए बी, तो a यानी 1 है, इंटू बी का मतलब है माइनस 1. ठीक है, और पूरा अपॉन में b है माइनस 1, ये ध्यान में रखो आप. ठीक है, साथ में x हो जाएगा, सॉल्व करना चालू रखो. ठीक है, बच्चों देखो यहाँ पर ये 1 नहीं लिखा तो भी चल जाएगा, अब बच्चा माइनस, तो माइनस क्या करेगा, ऊपर के साइन को चेंज कर देगा. तो ऊपर के साइन को चेंज कर दो तो क्या बचेगा, टैन अल्फा प्लस माइनस का मैं माइनस प्लस लिख लेता हूँ. अच्छा अब थोड़ा डायरेक्ट करने की कोशिश करते हैं. देखो ये हमारे पास में क्या है, टैन स्क्वायर अल्फा, वो तो हो ही जाएगा. ठीक है, यहाँ पर लिखेंगे हम टैन स्क्वायर अल्फा, और ये माइनस माइनस प्लस होगा तो प्लस 1, तो टैन स्क्वायर अल्फा प्लस 1 ये और कुछ नहीं है, ये है सेक स्क्वायर अल्फा. ठीक है, तो अब यहाँ पर क्या करेंगे हम, यहाँ इसके जगह पे रखेंगे सेक स्क्वायर अल्फा और यहाँ पे x के साथ पैक. ठीक, चलो अब यहाँ पर बात करेंगे y इज इक्वल टू क्या होगा, तो ये टैन अल्फा माइनस प्लस स्क्वायर स्क्वायर रूट कैंसिल, तो बचेगा सेक अल्फा, सेक अल्फा और साथ में x हो जाएगा. अब यहाँ से दो इक्वेशन, एक प्लस में मिलेगा एक माइनस में. ठीक है, तो डायरेक्ट कर लीजिए. सो क्या हो जाएगा यहाँ, y इज इक्वल टू क्या होगा, टैन अल्फा माइनस सेक अल्फा और साथ में x. ठीक है बच्चों, देखो आपने ऐसा रखा क्या ना, ऐसा रखा क्या, कोई फर्क नहीं पड़ता. आप अगर सिंपली ऐसा रखना चाहते तो भी काम बन जाएगा, नहीं तो फिर y को उधर ट्रांसफर कर दो चलेगा, वो भी कोई फर्क नहीं पड़ता. अभी मैं इसको ऐसा रख देता हूँ, यानी y इज इक्वल टू क्या होगा, टैन अल्फा माइनस एक अल्फा पूरे ब्रैकेट को बंद करके x. ठीक है, एंड नेक्स्ट इक्वेशन क्या होगा, तो y इज इक्वल टू देखो अब माइनस लिया अब प्लस ले लो. ठीक है, तो टैन अल्फा प्लस सेक अल्फा साथ में x. आप ऊपर जैसा पहले, इसके पहले जैसा क्वेश्चन सॉल्व किया उसके जैसा अगर सॉल्व करना चाहते हो तो y को उधर ट्रांसफर कर सकते हो, यानी पूरा इस तरह से लिख कर सामने में जीरो लिख सकते हो, वो भी आपके लिए कोई बड़ी बात नहीं, आप इसको लिख सकते हो. ठीक है, तो बच्चों इस प्रकार से हमको क्या करने होते हैं, सेपरेट इक्वेशंस यहाँ पर निकालने होते हैं. ठीक, तो इसके पहले जो हमने देखा था लास्ट क्लास में, तो सेपरेट इक्वेशन निकालने के लिए हमने क्या किया, किसका इस्तेमाल किया, तो वहाँ पर इस्तेमाल किया हमने फैक्टराइजेशन मेथड का. ठीक है, अब यहाँ पर हमने होमोजेनियस इक्वेशन इन एक्स एंड वाई, ठीक है, सेकंड डिग्री के लिए जो है हमारे पास एक्स स्क्वेयर प्लस ट्वाइस एच एक्स वाई प्लस बी वाई स्क्वेयर इज इक्वल टू जीरो, उसका इस्तेमाल करते हुए ए एच और बी की वैल्यूज निकाली. यहाँ पर ये जो फार्मूला है इस फार्मूला का इस्तेमाल किया और वहाँ से सेपरेट इक्वेशन निकाले. लास्ट टाइम में जो हमने इक्वेशंस देखे थे, ठीक है, सॉल्व किया था वहाँ पर हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन को फैक्टराइजेशन मेथड से, अब उसको इन इस मेथड से करके देखेंगे तो भी आंसर आ जाएगा, कोई हरकत नहीं. मैं लास्ट टाइम भी कहा था अभी भी कह रहा हूँ, जो इजी मेथड लगे आप उस मेथड से जा सकते हो. ठीक है, सो यहाँ पर अभी हम रुक जाते हैं,
ठीक है। तो आप बराबर अच्छे से क्या करिए, सेपरेट इक्वेशन किस तरह से निकालते हैं वो सब चीज़ें आप बराबर देखिए और प्रैक्टिस करते रहिए सॉल्व एग्जांपल में से, मिसलेस एक्सरसाइज में से, ठीक है। सो बच्चों प्लीज़ अभी यहाँ पे रुक जाते, बाकी का कंटिन्यू करेंगे बाद में। टिल देन बाय।